द 100K इस मैच के लिए कैप्टन डाविन मिलान, वाइस कैप्टन कॉलिन मुनरो एंड डार्क हॉर्स इश सोदी है कैप्टन डाविन मिलान। ट्रेंट रॉकेट्स के ओपनिंग बैटर डाविन मिलान इस एडिशन के हाईएस्ट रन स्कोरर है और बहुत अच्छे टेम्पो से अपने रन बना रहे हैं। एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर इस फॉर्मेट में एक हाई फैंटेसी पॉइंट स्कोरिंग ऑप्शन है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा बॉल्स मिलने के साथ साथ मोस्ट बोलिंग टाइप्स के खिलाफ मैचअप भी फेवरेबल मिलता है। मोरओवर ट्रेंट ब्रिज का पिच फ्लैट है और मिडिल और लोअर ऑर्डर बैटर्स को ज्यादा बॉल्स नहीं मिलते। ओवरऑल मिलान इस मैच के लिए एक सेफ कैप्टन पिक है। वाइस कैप्टन कॉलिन मुनरो। ट्रेंट रॉकेट्स के फॉर्मर न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कॉलिन मुनरो इस सीजन काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और दो मैचेस पहले लंदन स्पिरिट के खिलाफ वे अपने 67 नॉट आउट ऑफ 37 एंड टू इम्पोर्टेंट कैचेस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। मुनरो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बैटर हैं जो टॉप और मिडिल ऑर्डर दोनों में बैटिंग कर सकते हैं। जस्ट एज मिलान वो स्पिन अच्छा खेलते हैं जो ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर सक्सीड करने के लिए एक नेसेसरी स्किल है। ओवरऑल मुनरो इस मैच के लिए एक अच्छे लेफ्ट फील्ड वाइस कैप्टन पिक है। डार्क हॉर्स इश सोदी। वेल्श फायर के लेग स्पिनर इश सोदी इस फॉर्मेट के एक बहुत इफेक्टिव बॉलर हैं जो विकेट्स के साथ साथ एक बहुत ही लो इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करते हैं। इस फॉर्मेट में 4.1 का इकोनॉमी रेट सेंसेशनल है एंड सोदी को अपने वेरिएशंस पर कंप्लीट कंट्रोल है। मोरओवर ट्रेंट ब्रिज के बाउंड्री डायमेंशंस स्पिनर्स को सूट करता है क्योंकि एक साइड का बाउंड्री काफी डीप है जहां स्पिनर्स को कैचेस के थ्रू विकेट्स मिल सकते हैं। ओवरऑल सोदी का फॉर्म और प्लेइंग कंडीशंस को फैक्टर करते हुए वे एक अच्छे डार्क हॉर्स पिक हैं।